फ्रेंड्स, मेरा नाम डीएम जाहिर, एस्टॉन टेक्सफिन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने व्यूअर्स की सलाह पे म्यूचुअल फंड की एक सीरीज स्टार्ट की है और यह एपिसोड इस सीरीज का 13वां एपिसोड है। फ्रेंड्स, जब हम म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं, आइदर डेट और इक्विटी, तो उसमें हम बातें करते हैं कि हमें CAGR और XIRR जो भी अप्लीकेबल है ये इतना मिला। नॉर्मल कोर्स में हमें यह लगता है कि जो CAGR है और XIRR है वो इन्वेस्टर्स को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, वो जो गेन है उस गेन पे टैक्स लगता है और वो जो गेन है उस गेन को हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डेट फंड पे जो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स का क्या प्रोविजन है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, टैक्सेशन डेट म्यूचुअल फंड में दो तरह का होता है, दो तरह का गेन होता है। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हालांकि इस पर एक वीडियो और है मेरा डायरेक्ट टैक्सेशन के प्लेलिस्ट में, उसको आप देख सकते हैं चाहें। फिर भी मैं ब्रीफ कर दूं, दो तरह का गेन होता है जब डेट म्यूचुअल फंड को हम सेल करते हैं, कोई गेन होता है। इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे गेन की बातें करते हैं, आपने जितना में बेचा उसमें से कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको माइनस करते हैं, जो अमाउंट आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। कंडीशंस ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कि सिक्योरिटी को आप यदि 36 महीने तक होल्ड किया है, उसके बीच ही बेचा है और जो गेन मिला है उसी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। अदरवाइज यदि 3 साल से अधिक आपने सिक्योरिटीज को होल्ड किया है, मैं डेट म्यूचुअल फंड की बातें कर रहा हूँ, यदि 3 साल से अधिक आपने होल्ड किया है उसके बाद सेल किया और जो गेन मिला, दैट गेन वुड कम अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, अब एक चीज और देख लीजिए। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बातें जब हुई, तो मैंने इसमें लिखा है स्लैब रेट। जो भी गेन होंगे वो उस इन्वेस्टर्स के पर्सनल स्लैब रेट 5%, 20%, 30% ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से या न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 5, 7.5, 10, 12.5, जो भी रेट है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगेंगे। और जब लॉन्ग टर्म होगा तो कहेंगे 20% लगेंगे, लेकिन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस। एंड हियर लाइज द पॉइंट, इंडेक्सेशन बेसिस। इंडेक्सेशन बेसिस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या लॉन्ग टर्म गेन कैलकुलेट करने के लिए एक नया कंसेप्ट है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कुछ नहीं है, एक सिंपल इंडेक्स है। जैसे CPI, WPI का इंडेक्स होता है, उसी तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी होता है। ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिल जाएंगी और आज के दिन में इसका बेस ईयर 2001 और 2002 है। ये 2001-2 इज अ फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स, याद रखें ये फाइनेंशियल ईयर है, मीन्स 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 दिन 2002 तक को बेस ईयर माना गया है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन, जितना में बेचा आपने, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना में खरीदा। इस पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगा देंगे, वही टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो कि इंडेक्सेशन बेसिस पे कैलकुलेट होता है। उसमें यह लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस। द डिफरेंस बिटवीन LTCG एंड STCG इज ओनली, STCG के केस में कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन सिंपल था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन इंडेक्सेशन बेसिस पे था। तो अब सवाल है कि कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस इज इक्वल टू परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय CII। CII मीन्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर अपॉन CII ऑफ परचेजिंग ईयर। सिंपली जो कॉस्ट में परचेज किया वो प्राइस में जिस साल उस सिक्योरिटीज को बेचा उस साल का CII मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे उसको उस साल के CII से जिस साल आपने परचेज किया। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल के तरह से समझेंगे तो और सुविधा होगी हमें। हमने एक एक्सेस ट्रेजरी एडवांटेज फंड, जो कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन लिया हुआ है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट और रेगुलर, इसके बारे में एक वीडियो हमारा है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। और ग्रोथ ऑप्शन, रेगुलर ऑप्शन, रेगुलर ऑप्शन ये भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है इसका, इसके बारे में भी हमने बातें की हुई हैं। रेगुलर को IDCW ऑप्शन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये एक फंड लिया है जिसको कि हमने
डिफरेंट डेट्स में परचेज किया। एग्जाम्पल के तौर पे 4/1/2013 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 12-13 में 20,000 का परचेज किया, उस दिन अप्लीकेबल रेट 1,278.732 रुपये थे। इस 20,000 से इतने यूनिट्स हमने 15.6405 यूनिट्स हमने परचेज किए। अगेन आई इन्वेस्टेड 20,000 मोर ऑन 14th August 2015 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 15-16 और हियर द एनएवी वाज 1,617.59। टोटल यूनिट्स अलॉटेड 12.3641 एंड अकॉर्डिंगली ऑन 12th July 2019 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1920 अगेन इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 मोर at the rate of 2,198.481 and 6.822 units have been allotted and total units allotted was 34.82746 and total amount invested was 55,000. Friends, this was the transactions of purchase. We have sold 30 units. We see here, we have sold 30 units on 22nd November 2022. And on that day, the applicable NAV was 2,663.8103. मैं again मैं बात करता हूँ, वो जो 34.827 यूनिट्स थे उसमें से 30 यूनिट हमने बेच दिया, हमने 22 नवंबर 2022 को, जिसका कि अप्लीकेबल NAV था, नेट एसेट वैल्यू था 2,663.81 रुपये। फ्रेंड्स, अब देखें क्या होता है इसमें, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने परचेज डेट 4 जनवरी 13 14 अगस्त 15 12 जुलाई 19 को, और इसमें से 30 यूनिट, ये टोटल यूनिट से 34 पॉइंट समथिंग, उसमें से 30 यूनिट्स बेचे, तो हमने जो जनवरी 2013 का 15.641 था पूरा बेच दिया। 14 अगस्त 15 का जो अलॉट हुआ था 12.364 पूरा बेच दिया, और 12th July 2019 को जो अलॉट हुआ था उसमें से 1.995 यूनिट्स हमने बेच दिए। ये टोटल यूनिट्स मिला के 30 हो गए। बाकी कुछ यूनिट्स जो हैं, बाकी कुछ यूनिट्स ये 4.8275 ये बच गए। अब सवाल ये होता है कि हमने जो 30 यूनिट बेची और 4.8 यूनिट जो बच रही हैं, ये बच रही हैं 19-20 का, तो क्यों नहीं इसको सबसे पहले अप्रोप्रिएट किया जाए 19-20 का, फिर 15-16 का जो बचेंगी 12-13 होंगी। फ्रेंड्स, जब कैलकुलेट करते हैं इंडेक्सेशन बेसिस पे, देयर इज वन कंसेप्ट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले खरीदा जाएगा वो पहले बेचेगा, वो दिखेगा। तो हमने चूंकि 30 यूनिट बेची है 34 में से, तो सबसे पहले 12-13 का एग्जॉस्ट किया, फिर 15-16 का एग्जॉस्ट किया, उसके बाद जो डिफरेंस था वो 19-20 से एग्जॉस्ट किया, और फाइनली 19-20 वाले में 4.8275 यूनिट्स बच गए। अब फ्रेंड्स देखें, ये कर लिया हमने, अब हम यदि कैपिटल गेन देखते हैं तो सिंपली इसका प्रोसीड जो है 12-13 वाले के 41,000 32,000 53,000 इस तरह से प्रोसीड्स हैं, और परचेज प्राइस था 20,000 20,000 और 1.995 का परचेज प्राइस था 4,386। सो द टोटल परचेज प्राइस ऑफ 30 यूनिट्स वाज 44,386 एंड सेल कंसीडरेशन वाज 79,914.31। इट अपीयर्स कि इसमें से इसको यदि माइनस कर दें तो ये कैपिटल गेन है, लेकिन चूंकि ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये सिक्योरिटी हमने होल्ड किया है मोर देन 3 इयर्स, सो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं बल्कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। सो यदि ये शॉर्ट टर्म होता तो इस गेन पे लगता टैक्स, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग टर्म गेन है तो इसमें इंडेक्सेशन बेसिस पे टैक्स लगेगा, और इंडेक्सेशन बेसिस पे क्या किया हमने, हमने किया कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन वाज 20,000 एंड CII फॉर 12-13 वाज 200, तो इसको हमने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया CII ऑफ परचेजिंग ईयर मीन्स 19-20, ये हमने 22-23 से बेचा है तो डिवाइड कर दिया 331 से। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैं एक इंडिविजुअली की बात करता हूँ, क्या था फॉर्मूला है परचेज प्राइस, यदि हम 15.64 की बात करें तो चूंकि मैं इसको एक साथ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि डिफरेंट ईयर्स में परचेज किए गए हैं, यदि ये सारे यूनिट्स एक ही ईयर में परचेज होते फिर तो टोटल परचेज कॉस्ट में से इसको कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस निकाल लेते, लेकिन चूंकि ये अलग अलग साल में किए गए हैं इसलिए इसको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। हमने क्या किया, इसका सेल प्रोसीड्स था 41,000, लग रहा है कि 21,633 रुपये कैपिटल गेन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
हमने निकाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैसे निकाला, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 22-23 का CII 331 अपॉन परचेज प्राइस, परचेज ईयर का CII, परचेज प्राइस, परचेज ईयर वाल 12-13 का था 200। मीन्स ये जो कैलकुलेशन हुआ है, ये कैलकुलेशन हुआ है 20,000 इंटू 331 अपॉन 200 इज इक्वल टू, इट कम्स टू 8,563.32। इसी क्रम में सबका निकाला है और टोटल जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकला, ये निकला ही थी 15727। इसमें से सेल प्रोसीड में से ये प्राइस माइनस कर दिया तो ये बच गया वो। आई अगेन रिपीट, हमने कॉस्ट ऑफ इक्विशन निकाल लिया इस हिसाब से, इसमें से सेल प्रोसीड को उस अमाउंट में घटा दिया तो माइनस ये आता है, कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। तो टोटल कैपिटल गेन जो इस पे हुआ ये हुआ 15,727.95, जबकि यदि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो ये होता 35,528। लेकिन चूंकि ये तीनों ही सिक्योरिटीज जो है ये 3 साल से अधिक होल्ड की गई है, इसलिए ये गेन कैपिटल गेन इंडेक्स के बेसिस पे निकला। और इस पे इस अमाउंट पे हमने निकाल लिया 20% विच कम्स टू 3,146। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लगी हो ये बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो ये भी बताएं। और फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने मेरा चैनल एस्टोन टैक्सफिन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स पे हमारे कई वीडियोज़ हैं, सारे वीडियोज़ के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे उसको देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।